नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। पौड़ी में ज्वालपा देवी मंदिर पर भीड़ लगी है। श्रीनगर, गढ़वाल में भी कीर्ति नगर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से देश जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही जोश से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया रहा है। तमाम कृष्ण मंदिरों को सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह। वो भी पौड़ी में भी कृष्ण भक्त अपने छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में तैयार कर लोग उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अपने ही घरों में भी कृष्णा भक्त अपने बाल गोपालों के आगमन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं, पौड़ी की तस्वीरें, जहां पर ज्वाला देवी मंदिर में भी ज्वालपा देवी मंदिर में लोगों की भीड़ लगी है, और साथ ही अपने बच्चों को भी वो कान्हा रूपी वेशभूषा पहनाकर तैयार कर रहे हैं और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार है जिसे पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, और यही तस्वीर जहां जगह जगह ये तस्वीर आज देखने को मिल रही है। बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में तैयार किया जा रहा है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें तैयार कर रहे हैं, और ऐसे ही तैयार कर लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो राधा कृष्ण बनकर लुफ्त ले रहे हैं इस त्यौहार का, और ये देखिए किस तरीके से खिलखिलाता बच्चा जो है वो कृष्ण के अवतार में वेशभूषा पहने और साथ ही साथ वो ऐसे बंसी लिए और साथ ही माखन खाते नजर आ रहे हैं। तो बंसी भी है, सिर पर मुकुट भी है, और वो पीला पीतांबर भी पहना हुआ है इस छोटे बच्चे ने। और ऐसी एक ही बच्चे की तस्वीर नहीं है, ऐसी कई जगह पर तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज सबसे बड़ा पर्व यानी जन्माष्टमी का त्यौहार है जो बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो पौड़ी की तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जहाँ पर ज्वालपा देवी मंदिर में भी लोगों की भीड़ देखी गई, और लोग जो हैं वो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए ज्वालपा देवी मंदिर पहुँचे, और इस दौरान छोटे छोटे बच्चों को भी देखा गया जो कि कृष्ण और राधा के वेशभूषा में दिखाई दिए। किस तरीके से ये जो छोटी सी बच्ची है वो कृष्ण बने इस छोटे से बच्चे को माखन खिला रही है, बेहद ही अद्भुत और बेहद ही सराहनीय जो नजारा है वो देखा जा सकता है। पौड़ी की तस्वीर जहां पर बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आज ही का वो त्यौहार है, आज ही का वो दिन है जन्माष्टमी, जब छोटे छोटे बच्चों को इस कदर तैयार किया जाता है, और यहां तक कि लोग उनका आशीर्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं। वहीं आज ऋषिकेश में भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही जोरों शोरों से मनाया गया। ऋषिकेश के प्रसिद्ध मधुबन आश्रम में और गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस का यानी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया, और उनका पालन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सभी लोगों को बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। बता दें कि जन्माष्टमी का त्यौहार मधुबन आश्रम में काफ़ी जोरों शोरों से मनाया जाता रहा है, और इस बार भी काफ़ी जोश के साथ और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ जगह जगह वैष्णव तिलक लगाकर लोग भगवान के ध्यान में मग्न दिखे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के महंत श्री परमानंद ने बताया कि जो भगवान का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी मनाते हैं वो अपने जीवन में सुख ही सुख पाते हैं। इसी आचरण को लेकर लोग भगवान के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। तो कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया, तो मधुबन आश्रम में बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और अब और भी ज्यादा इसका जो नजारा होगा वो अद्भुत होगा, देखने लायक होगा। ऋषिकेश की फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर मधुबन आश्रम में बड़ी ही धूमधाम तरीके से ये जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। किस तरीके से इस आश्रम को बेहद ही अद्भुत तरीके से सजाया गया है, छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि हमने आपको बताया लगातार कि किस तरीके से आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो राधा और कृष्ण रूपी अवतार में हमें नज़र आ रही हैं, और भरपूर जो है वो आनंद लिया जा रहा है जन्माष्टमी के त्यौहार का। तो इसी दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे संवाददाता ऋषिकेश से संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, आपसे जानकारी चाहूंगी कि आज सबसे बड़ा पर्व यानी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कुछ सावधानियां इस दौरान बरती जा रही हैं, क्योंकि कोरोना को भी भुलाया नहीं जा सकता है, कोरोना अब भी जीवित है।
जी यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है जी। यहाँ के सबसे बड़े मंदिर है मधुबन आश्रम गोपाल मंदिर, जहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ है, वहाँ पर हमेशा की तरह ही बड़ी धूमधाम से इस बार भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस मंदिर में जो प्रवेश कर रहे हैं लोग तो कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखें, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही मुंह पर मास्क होना बहुत जरूरी है। और हो सकता है किसी ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि क्योंकि भीड़ जा रही है थोड़ा गैप रखा जाए, तो इसलिए वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। संजय देखिए कोरोना भी है और ऐसे में जन्माष्टमी जैसा बड़ा त्यौहार भी है, लेकिन वही बात है ना कि जश्न भी मनाना है लेकिन सावधानी भी बरतनी है। तो ऐसे में क्या माना जाए, कितना बदलाव लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 में भी जन्माष्टमी के मौके पर ये कोरोना था और इस साल 2021 में भी जन्माष्टमी के मौके पर कोरोना महामारी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में अब क्या माना जाए, क्या लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, क्या ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ चलिए अब ऐसे त्योहार मनाना है तो ऐसे ही सही? जी हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अब लोग इस बात को लेकर जागरूक हो गए कि कोरोना जल्दी से जाएगा नहीं और जब तक कोरोना की दस्तक लोगों के दिलों में है तब तक वो उसके गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखेंगे और जो एक सैनिटाइजर और प्लस जो मास्क है वो जरूरी लगाएंगे। तो इसीलिए लोगों पर अब समझ चुके हैं कि कहीं भी त्योहार में जाओ, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ तो अपना ध्यान स्वयं रखना बहुत जरूरी है। संजय देखिए बच्चों को भी इस अवतार में देखा जा रहा है और काफी मनमोहक है ये नजारा देखना, क्योंकि मंदिर के साथ सजा एक तरफ, लेकिन जब बच्चों को इस कदर इस अवतार में देखा जाता है, इस वेशभूषा में देखा जाता है, खासकर जो कान्हा बने बच्चे हैं, तो ये काफी अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलता है, स्पेशली आज के दिन जन्माष्टमी के दिन। जी हाँ आज के दिन बच्चों को थोड़ा सा कान्हा का कन्हैया का एक छोटा सा रूप बना देते हैं, उसको सजा देते हैं, उसको मुकुट लगाते हैं, उसको कपड़े वैसे बनाते हैं और जिससे कि लोगों को आकर्षण का केंद्र भी बनता है और साथ में जब लोग उसे लेके चलते थे अपने आप को एक ऐसा महसूस करते हैं जैसे भगवान को साथ लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम से होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं, तो लोग उनको देखते हैं, उनको प्यार करते हैं और कितने तो ऐसे हैं जो उनके पैर भी छूकर जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो भक्त जन आ रखे हैं, जो भक्ति में लीन है और जो लोग अपने बच्चों को लेकर आ रखे वो उनका स्वरूप बनाकर आ रखे हैं, तो उस स्वरूप को देखकर लोग बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। संजय संजय ये तो रही चलिए आम देखे तो वो अपने बच्चों को सजाकर अपने स्कूटी पे बाइक पे लेके घूम रहे हैं, जो दर्शन करने जाते हैं तो सब लोग उनका आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जी देखिए अब अगर हम मधुबन आश्रम की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की जो सावधानी है कोरोना को लेकर वो देखनी जा रही है और किस तरीके से लोगों का यहाँ पर आगमन बना हुआ है, किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आए हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? मधुबन आश्रम में अगर देखा जाए तो वो काफी बड़ा मंदिर है और काफी भीड़ भी है वहाँ पे और वहीं पर लगातार महाराज जी से जब मेरी बात हुई तो महाराज जी ने वहाँ पर एक ही बात करी कि कोविड की जो गाइडलाइन है, जो मास्क बहुत जरूरी है, सैनिटाइज वहीं गेट पे कर देते हैं कि सैनिटाइज करके आगे जाए और थोड़ा गैप बना के रखें और वो लोग जा रहे हैं एक साइड से भेजते हैं भगवान के दर्शन करके दूसरी साइड से प्रसाद लेके बाहर आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और वहाँ पुलिस भी है और पुलिस भी इस बात को बार बार जागरूक कर रही है, बार बार बता रही है कि आप मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइज करें और साथ में थोड़ा गैप बना के रखें। तो ये चीज बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में लोगों को अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब लोग समझ चुके हैं कि जो कोरोना है इसमें हमें किस तरीके से रहना है भीड़ भाड़ में। ठीक संजय, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो आज जन्माष्टमी का बड़ा त्यौहार है और ऐसे में जगह जगह जो मंदिर है, जो आश्रम है, मधुबन ऋषिकेश की अगर हम बात करनी जाए, यहाँ पर मधुबन आश्रम जो है वो काफ़ी सुंदर तरीके से साज सज्जा के साथ सजाया हुआ है और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कीर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि चलिए जन्माष्टमी तो एक तरफ लेकिन साथ ही आप दूसरी जन्माष्टमी जो है वो कोरोना काल के दौरान पड़ रही है, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि जन्माष्टमी जैसा त्योहार भी मनाना है और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का खासा ध्यान भी साथ साथ रखना होगा।
वहीं पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यानी हरीश रावत ने साफ कर दी है अपनी तस्वीर। यानी हरीश रावत का ये कहना है कि अगले कांग्रेस में अगले विधानसभा चुनाव के लिए चेहरे की कोई कमी नहीं होने वाली है। हरीश रावत ने कहा कि कई ऐसे चेहरे होंगे जो हमारी कीर्ति और ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यह परंपरा है कि चुनाव के बाद हाईकमान द्वारा विधानमंडल दल को अपना नेता चुनने का अधिकार दिया जाता है। हमारी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को इतना सम्मान देती है कि हमेशा हम इसे नियम की तरह अपनाते हैं। रहा सवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो ये हमारे अखिल भारतीय नेता हैं, हमारे प्राण हैं, हमारे ये रक्षक हैं। हरीश रावत ने कहा कि हाईकमान को कांग्रेस हमेशा आगे रखती है, लेकिन इसके साथ ही साथ स्थानीय चेहरों को भी आगे रखेंगे और मिलजुल कर पंजाब के विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा। तो हरीश रावत ने चुनाव को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। देखिए, मैं पार्टी के एजेंडे को मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करता और न मैं अपने पार्टी के लोगों से मीडिया के माध्यम से बात करता हूँ। प्रगट सिंह जी हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। चेहरे का सवाल आधे प्रसंग में लिया गया है। हमारी पार्टी में जो है, कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे, कौन कहेगा कि पीसीसी प्रेसिडेंट चेहरा नहीं होंगे, और मैं तो कहता हूँ कि पंजाब में कौन कहेगा कि प्रगट भी चेहरा नहीं होंगे। कई हमारे पास ऐसे नाम हैं जो हमारी कीर्ति को बढ़ाते हैं, पार्टी के ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं। तो नेचुरली जिस वे में पूछा गया उस वे में चीज़ें आई। बाकी जो है, चुनाव के बाद सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या परंपरा है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी भगत सिंह कोश्यारी को स्टेट प्लेन से उत्तराखंड लाए जाने का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अक्सर उत्तराखंड के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन इस बार कोश्यारी उत्तराखंड के स्टेट प्लेन से राजधानी देहरादून पहुंचे। स्टेट प्लेन से महाराष्ट्र के राज्यपाल को उत्तराखंड लाए जाने के मामले में कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, कर्ज में डूबा हुआ राज्य है, कर्मचारियों को देने के लिए राज्य के पास पैसा तक नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवभगत में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कांग्रेस को इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया है और ऐसे में उनको अपने इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो स्टेट प्लेन से उत्तराखंड पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिसको लेकर अब विपक्षी दल जो है वो घेरे में है और तरह तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि राज्य की सरकार के पास यहाँ पर बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है देने के लिए, यहाँ पर कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनको पैसे नहीं है देने के लिए, और साथ ही यहाँ पर विकास के लिए पैसे नहीं है। लेकिन स्टेट प्लेन से जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पहुँचते हैं तो ये गंभीर सवाल खड़ा करता है, ऐसा विपक्ष का ही साफ तौर पर कहना है। तो आरोप लगाते हुए विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। स्टेट प्लेन से उत्तराखंड पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री, जिसका मामला जो है वो लगातार गरमाता नजर आ रहा है। दिया तीन मुख्यमंत्रियों ने मिलकर उत्तराखंड राज्य के ऊपर जो कर्ज का बोझ था, कर्मचारियों को देने के लिए आपके पास तनख्वाहें नहीं है, लोगों का मानदेय बढ़ाने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है, पुलिस ग्रेड पे बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और आप भगत करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल को यहाँ की सरकार स्टेट प्लेन भेज रही है, इसका क्या औचित्य है? मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या आज के बाद से आप वादा करते हैं कि प्रदेश के अंदर जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं सबके लिए स्टेट प्लेन भेजा जाएगा? दो दो मंत्री उसमें बैठ कर जाते हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए? आखिर पुष्कर सिंह धामी जी के राजनीतिक गुरु है ना, या तो वो भाजपा संगठन से इसका खर्चे का वहन करवाएं या अपना व्यक्तिगत दे दें इसका, इसको भर दें बिल को। आप राज्य के ऊपर, राज्य की जनता के ऊपर इस वित्तीय बोझ को क्यों लाद रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हमारा बाल बाल हमारा रुआ रुआ कर्ज में डूबा हुआ है, अब हम पर रहम खाओ प्रभु। भगत सिंह कोश्यारी जी
महामहिम राज्यपाल है महाराष्ट्र के, अपहाय कारणों से उन्हें देहरादून आना पड़ा, इसलिए स्टेट प्रिज़न का उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। जब वो दस सालों तक सत्ता में रहे, पाँच साल एक बार, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह के नैतिक विचार प्रकट करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि अगर वो आए भी तो सरकारी पैसे से क्यों आए, अगर वो राजनीतिक गुरु हैं सीएम के तो सीएम अपनी जेब से पैसा क्यों देते। वो राज्य महामहिम राज्यपाल हैं और मुझे लगता है कि जब अपरिहार्य परिस्थितियों हम उन परिस्थितियों में अगर आए हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत बड़ा प्रोपगंडा नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की नैतिकता की बात है तो कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो कह रही थी कि 5-5 करोड़ रुपये ले लो, बाकी हम आँखें बंद कर लें, जितना मर्जी उतना लूटो। तो ऐसे लोगों के मुंह से नैतिकता का पाठ पढ़ाना मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता है। और वहीं दूसरी तरफ खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां पर चबट्टा खाल के दमदेवल रेंज में लगातार गुलदार के हमले की घटनाएं अब दिन प्रतिदिन सामने आती रही हैं। रविवार को विकासखंड एकेश्वर के पांथर गांव में घास काट रही 36 साल की महिला को गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला और ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भाग खड़ा हुआ। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चबट्टा थाना के एसडीएम संदीप कुमार ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्था के लिए और साथ ही वन विभाग को पिंजरा लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ने बताया कि रविवार शाम लगभग 5:30 पर पाथरल गांव की सीमा पर घास काट रही 36 साल की महिला गंगा देवी पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें महिला के हाथ पैर पर गुलदार ने अपने पंजों से गंभीर चोट के निशान बनाए हैं। साथ ही साथ बता दें कि महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र पंचायत अजय सिंह ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि लगातार क्षेत्र में आए दिन गुलदार के हमले किए जा रहे हैं, गुलदार के हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो महिला को गुलदार ने गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो चुके हैं कि लगातार जो गुलदार है वो ग्रामीणों को हमला कर घायल करने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वन विभाग और प्रशासन जो है वो नींद सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद प्रशासन जो है वो सो रहा है। जिस प्रकार कल शाम को गुलदार द्वारा हमारे क्षेत्र के ग्राम सभा पांथर में यह हमला देखने को मिला और हमारे बड़े भाई विजय पाल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गंगा देवी जी को करीबन 6 या 7 बजे गुलदार द्वारा यहाँ हमला किया गया और उनको करीबन 6-7 बजे के करीबन स्वास्थ्य केंद्र नौखाल में ले जाया गया। और जिस प्रकार लगातार अभी हमारे क्षेत्र में गुलदार का काफ़ी हमला हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी बीच की बात करूं तो पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम सभा गढ़ोली गांव में भी एक नव युवक को गुलदार ने दिन दहाड़े ही हमला किया गया था उस पर। और साथ ही साथ मैं वन मंत्री माननीय हरक सिंह रावत जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के हित के लिए इस समस्या को लेकर जल्द से जल्द वन विभाग की टीम को यहाँ जल्द से जल्द पहुंचाए और इन गुलदारों का निवारण हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तहसील चौबट्टा खाल के क्षेत्र अंतर्गत गुलदार के लगातार हो रहे हमलों के मद्देनज़र हमने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में गश्त लगाए तथा घटना संभावित क्षेत्रों पर पिंजरे लगाए। इसके साथ साथ में हमने रेवेन्यू पुलिसिंग को भी सतर्क किया है कि वह भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखे तथा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते रहें। और वहीं दूसरी तरफ आप खबर पिथौरागढ़ से, जहां के तहसील धारचूला में जुमा गांव में देर रात भारी बारिश से जामुनी तोक में लगभग 5 और सिराउडियार तोक में लगभग 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ ही लगभग 7 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व, SSB, पुलिस, NDRF और रेस्क्यू की टीम रवाना हो गई है और साथ ही NDRF क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घटना के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की तरफ से जिला आपदा परिचालन केंद्र में IRS के अधिकारियों के साथ बैठक कर तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य करने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
तो भारी बारिश के कारण मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 7 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर जहाँ पर मलबा इकट्ठा हो गया है, जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों को लगातार भारी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। साथ ही पुलिस और एनडीआरएफ समेत कई सारी जो टीमें हैं वो बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर जमकर हमला कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पिछले 21 सालों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कितने ही झूठ बोलकर अपनी झूठी साख बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन समय समय पर इनके स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी लापरवाही सामने आती रही है। इस बार कैग यानी कि सीएजी की रिपोर्ट 2019 और 2020 में उत्तराखंड हिमालय राज्य में स्वास्थ्य के नाम पर सबसे कम बजट खर्च करने वाला राज्य निकला, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह सरकार उत्तराखंड की जनता के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, वो भी तब जब यहां राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं। कर्नल कोठियाल ने सीएजी यानी कैग द्वारा जारी रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि यह हमारे प्रदेश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरने का काम इस दौरान किया है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है वो भी बिल्कुल एक्टिव मोड में यानी सक्रिय मोड में नजर आ रही है राज्य में, और तमाम जो विपक्षी दल है चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं उनको घेरने का काम जो है आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में और इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार और भारी बारिश होने से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी काफी हद तक बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ इन नदियों के ऊपर सालों पहले बने मोटर पुल जर्जर हालत में होने से लोगों को डोईवाला रानी पोखरी मोटर पुल गिरने जैसी घटनाओं से डर मन में बैठा हुआ है और ऐसी तस्वीर उनके दिमाग में दिलों में बार बार आ जाती है और उनके सामने ऐसी ही घटना का जो डर है वो बैठा हुआ है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये डर का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर निचले यानी मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। जून 2021 में अलकनंदा नदी के उफान पर आने के कारण गुलाब राय बाईपास के पास स्थित अस्थाई पुल बह गया था, जबकि बेलणी कस्बे के और केदारनाथ क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल यानी बेलणी पुल सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी के ऊपर सुमाड़ी विजयनगर कुंड में बने मोटर पुल भी मरी हालत में है, जिसकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। सरोवर नगरी यानी नैनीताल के हनुमानगढ़ मंदिर से एक वाहन के 100 से 200 मीटर खाई में गिर जाने से 4 लोग मौके पर घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रस्सी के सहारे घायलों को बड़ी ही मुश्किल और मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला, जहां से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। बता दें कि हनुमानगढ़ मंदिर के आगे एक सेंट्रो कार सड़क से लगभग 200 से 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। फायर सर्विस यूनिट द्वारा शीघ्र ही खाई में पहुंचकर रस्सियों की मदद से और रस्सियों के सहारे से चारों घायलों को एक एक कर कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। साथ ही बता दें कि रेस्क्यू टीम की तत्परता और त्वरित राहत बचाव कार्य से चारों को सुरक्षित निकालकर समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवित बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन सवार दिल्ली के रहने वाले हैं, तो वाहन खाई में गिरने से 4 लोग मौके पर ही घायल हो गए। हालांकि जो प्रशासन है और जो टीमें हैं राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं उनकी तत्परता और उनके त्वरित राहत बचाव कार्य की वजह से चारों घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर वो जीवित है। तो नैनीताल की तस्वीर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और घायलों को जो है वो सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया और अब फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है, चारों घायल जो हैं वो जीवित हैं।
और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड के इस विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।